नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में अब जल्द ही एक और बहुप्रतीक्षित सड़क पुल का सपना साकार होने वाला है। जी हां, आपने सही सुना, पटना से भोजपुर को जोड़ने वाला सोन नदी पर बनकर कोइलवर पुल के दूसरे लेन यानी कि डाउनस्ट्रीम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब 14 मई को इसका उद्घाटन होने वाला है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अब जल्द ही इस पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुल के दूसरे लेन का शुभारंभ कर इसे जल्द ही राष्ट्र को सौंपने वाले हैं, जिसके बाद ही अब सोन नदी पर बना कोइलवर पुल बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला सबसे प्रमुख राजमार्ग होने वाला है। इसके अपस्ट्रीम लेन का उद्घाटन पहले ही हो चुका है। 10 दिसंबर 2020 से अपस्ट्रीम लेन पर आवागमन भी शुरू हो चुका है। अब डाउनस्ट्रीम के शुरू होने से हर दिन लाखों लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा। ये पुल न सिर्फ दोनों राज्यों को जोड़ने की अहम कड़ी बनकर उभरेगा, बल्कि इससे दक्षिण बिहार के कई जिले सीधे पटना से सुगम संपर्क में जुड़ जाएंगे। नए पुल का निर्माण मौजूदा अब्दुल बारी पुल के समानांतर ही उत्तर दिशा में किया गया है। नया पुल 6 लेन का है, जो 30 मीटर चौड़ा और 1.528 किलोमीटर का है। इससे 1 लेन की चौड़ाई 16 मीटर बताई गई है। 825 करोड़ रूपए की लागत से पुल और अप्रोच पथ का निर्माण किया गया है। वहीं पुल निर्माण को समय पर पूरा करने में कई चुनौतियां भी आ रही है। पुराने पुल के जर्जर होने के कारण इस पुल का निर्माण किया गया है। 22 जुलाई 2017 को इसका शिलान्यास आरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने किया था। बाद के सालों में कोरोना आने के बाद निर्माण में कुछ व्यवधान आए हैं। अब पुल के दोनों लेनों के पूरा हो जाने से सोन नदी पर नए इतिहास का निर्माण भी साकार हो गया और 14 मई से हर दिन हजारों गाड़ियां अब फर्राटा इस पर दौड़ने वाली हैं, जिसे उम्मीद है कि लोगों को अब जाम से निजात मिल जाएगा, यानी कि अब आम लोगों को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसकी सौगात अब जल्द ही बिहारवासियों को मिलने वाली है। कोइलवर पुल की बात करें तो साल 1856 में कोइलवर पुल के निर्माण का काम शुरू हो गया था। 6 साल के बाद 1862 में पूरी तरह से पुल बन जाने के बाद 4 नवंबर 1862 को इसका उद्घाटन करते हुए आवागमन के लिए इसको चालू कर दिया गया था। इस पुल में 28 पिलर है। पुल के ऊपरी हिस्से में रेल मार्ग और निचले हिस्से में 2 लेन की सड़क है, जिसमें उत्तरी लेन 3.03 मीटर और दक्षिणी लेन 4.12 मीटर चौड़ा है। पुल की कुल लंबाई 1440 मीटर है। पुराने पुल को बनाने में 5683 टन लोहा लगा है। इस पुल को बनाने का आइडिया अंग्रेज अफसर लोटस गेस्टर के दिमाग में पहली बार आया था, जो कि आम लोगों के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हुआ है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।